हेलो गाइस, मेरा नाम है जीतू। आप देख रहे हैं जीतू इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मेरे पास है पोर्टोनिक्स ना हार्मोनिक स्ट्रिंग्स 2 ईयरबड्स। आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। जो आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो लाइक करें, और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और ऐसे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आपको बेल का आइकॉन दबाए। पोटोनिक्स हार्मोनिक स्ट्रिंग्स 2 आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ, लुक्स वाइज कैसा है, क्या क्या फीचर्स है और दिखने में कैसा है, और उसके साथ में क्या क्या आता है आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली हुई है, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करो और मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। और मुझसे ही बाय करने का रहेगा तो आप इंस्टाग्राम से आप बाय कर सकते हो। अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। पोटोनिक्स हार्मोनिक स्ट्रिंग्स 2 ईयरबड्स आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ और क्या क्या लिखा है वो भी मैं देख रहा हूँ। ब्लूटूथ वर्जन है 5.0 आता है, और ट्विंस कनेक्टिविटी है, और स्मार्ट चार्जिंग केस है, और वन टच कंट्रोलर्स है, और उसकी MRP तो बहुत ज़्यादा दी हुई है, 399 मतलब 4000 MRP पर। इतना है नहीं, ये मार्केट में आपको 2400 के आसपास मिलेगा और 1 ईयर वारंटी के साथ आएगा ये। और भी इसमें क्या क्या फीचर्स है वो दिखा देता हूँ। वन टच कंट्रोल है और बुल्ट इन माइक्स है, और ज़्यादा वेट नहीं, लाइट वेट है। और उसका और भी देख लेते हैं अंदर से क्या क्या है, और आपको फीचर्स आपको बता देता हूँ। और इसमें क्या क्या साथ में आता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बॉक्स तो बहुत दिखता है अच्छा, ये अपन छोटा बॉक्स बनाया हुआ है। पोटोनिक्स ईयरबड्स है ये, और भी साथ में वो भी अपन क्या वो भी देख लेते हैं। और ये यूजर मैनुअल है, एक्स्ट्रा ईयरबड्स है, माइक्रो USB डेटा केबल्स है, और कुछ नहीं है अंदर, ये अपन साइड में रख देते हैं। इसको ओपन कर लेते हैं। बहुत ही स्लिम और छोटा बनाया और बहुत ही मस्त लग रहा है चार्जिंग केस। और ये इसका बॉक्स का कलर ब्लैक मैट है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और V8 चार्जिंग सॉकेट्स है, और इंडिकेटर लाइट दिख तो नहीं रही है पर शायद रहेगी अंदर, चार्जिंग लगे तो इंडिकेटर लाइट दिखाई देंगी। और बॉक्स की बैटरी कैपेसिटी है 380 mAh, और इसमें बड्स आपको 4 बार चार्ज हो गए। और बॉक्स का वेट है, ज़्यादा वेट नहीं है, 33 ग्राम्स है। और चार्जिंग लगा के अपन देख लेंगे कौन सा इंडिकेटर कैसा है, कहाँ पे इंडिकेटर इसको लाइट आता है, इधर लाइट इंडिकेटर आता है, जैसे फुल हो जाएगा रेड हो जाएगा, लगाएगा तो ग्रीन रहेगा। और देख लें अंदर बर्ड्स कैसे हैं, बर्ड्स तो बहुत मस्त है लुक वाइज, निकाल के देख लेते हैं। ये बड्स है, ईयरबड्स है, और उसका भी ज़्यादा वेट नहीं है, लाइट वेट है, खाली 8.5 ग्राम्स वेट है। और उसका बैटरी कैपेसिटी है 40 mAh, और ये म्यूजिक टाइम पे आपको 4 आवर्स बैटरी बैकअप्स देगा। और ये चार्जिंग्स के लिए है, और इसका माइक नीचे आता है, और इसमें बटन्स नहीं आते, ये टच कंट्रोल्स आएगा, मल्टीपल टच कंट्रोल है। और उसमें गूगल असिस्टेंट भी इन्वॉल्व है, गूगल असिस्टेंट भी यूज़ कर सकते हो, और एप्पल रहेगा आपके पास तो उसमें सीरी आएगा। और देख लेते हैं चार्जिंग बर्ड्स लेना कौन सा इंडिकेटर होता है। जैसे आप अंदर रखेंगे
ऑटोमेटिक चार्ज होना चालू हो जाएगा और रेड कलर का इंडिकेटर रहेगा, जैसे फुल होगा इधर ग्रीन कलर हो जाएगा। इसमें कोई स्विच नहीं आता है और एकदम स्मूथ आता है, मैग्नेटिक सिस्टम आता है। और भी इसमें क्या फीचर्स है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। इसमें नॉइस कैंसिलेशन भी आता है, नॉइस कैंसिलेशन भी इन्वॉल्व है इसमें। और टच कंट्रोल कैसे वर्क करता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप दो बार क्लिप करेंगे तो पुश हो जाएगा, वापस दो बार करेंगे तो प्ले हो जाएगा। और आपको सीरी चालू करना रहेगा तो आपको 3 टाइम प्रेस करना पड़ेगा, 1 2 3, तो आपको सीरी चालू हो जाएगा। और कॉल रिसीव के लिए आपको दो बार क्लिक करना पड़ेगा तो कॉल रिसीव हो जाएगा, और 3 टाइम का सीरीज चालू हो जाएगा। टच कंट्रोल तो अच्छा है, और उसका साउंड कैसा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये कान में कितने कंफर्टेबल है वो भी आपको दिखा था, और कैसा साउंड है उसका। और ये लाइट्स दी हुई है बहुत ही अच्छा से है, और डिजाइन भी बहुत मस्त है। बहुत मस्त कंपेटेबल है। और देख लेते उसका साउंड कैसा है। बहुत मस्त है और बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ है, बहुत मस्त डिजाइन है।